तो मैं अभी जो इग्नो का ही एकेडमिक ब्लॉक है उसके पास से निकल रही थी, और जो यहाँ मुझे सबने बोला कि ये पूरा एक जंगली इलाका है और इसी इलाके में यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी आते हैं। तो अभी मेरे सामने है नील गाय, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी, बिल्कुल रास्ते से ही निकल रही थी एंड आई स्पॉटेड दिस नील गाय हियर। गोरी नील गाय आप देख सकते हैं यहीं पे। नील गाय का मूवमेंट जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत क्लोज हूँ मैं नील गाय के लिए। ओके आई थिंक इसने मुझे देख लिया। ये रही नील गाय, आप इसको देख सकते हैं, ये मेरी तरफ से देख रही है और आई थिंक ये शर्मा गई और अब भाग जाएगी यहाँ से। काफ़ी पास है बट आई डोंट थिंक कि ये अटैक करी। So I was just passing by and look what I spotted. So actually if you see there is a peacock, two peahens and parrots. So there is a peacock and two peahen here. Again I spotted our national bird again at you know the university. And let me see if I can get little close. There's a peacock, there are some parrots and then there were two peahen jo abhi chup gaye jo maine aapko pehle dikhaye the. Let me get close to the peacock. Wow, so beautiful. And today I am at the Gyan Vatika, which is at the Indira Gandhi National Open University in New Delhi, also known as IGNU. अगर मैं आपको और क्लोजली दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ हम ऊपर चढ़कर बैठते थे। मैं यहाँ बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वॉज प्रोबेबली 4 or 5 ईयर्स ओल्ड। मैं तब से यहाँ पे आ रही हूँ। अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हैं इसको कमंडल कहते हैं, ये आपको शायद याद होगा कि कभी जब हम छोटे थे तो हमने कभी देखा होगा जो साधु होते हैं
भिक्षा के लिए इसी का, यही जो फ्रूट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी फ्रूट को ड्राई कर कर आई थिंक इट्स कट इन टू हाफ, और पहले बहुत पुराने ज़माने में इसको तब यूज़ होता था। तो मैं बहुत इंक्विजिटिव हो गई इसको देखकर, और यहाँ पे मेरे को फिर किसी ने ओरिएंट किया और बताया कि ये कमंडल का पेड़ है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी है यहाँ पे, तो इस नर्सरी से भी काफ़ी मेरी बचपन की यादें जो हैं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी एंड आई वाज रियली इंक्विजिटिव अबाउट प्लांट्स, और गार्डनिंग का मुझको बहुत ज़्यादा शौक़ था उस वक्त। तो मैं यहीं पे आती थी और यहीं से कुछ कुछ प्लांट्स लेके उनको महीनों भर उनकी इतनी ज़्यादा केयर करती थी।